पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और हमारी ट्रेन है करीब 1 से 1.25 घंटा लेट हमारी ट्रेन हो चुकी है। यहाँ पे ट्रेन इसका टाइमिंग यहाँ पे 10 बजे पहुँचने का था, जो कि अब करीब 2 घंटे लेट हो चुकी है, पता लगा है मेरे को। तो दोस्तों अभी देखते हैं और कितना लेट होती है आगे चल करके, फिलहाल मिलते हैं आगे जर्नी में और पता करते हैं कैसा रहता है अपना स्लीपर क्लास का सफर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के साथ। चलिए मिलते हैं आगे जर्नी। कितना हो गया? 2 किलो किया क्या? 1 किलो ना बोला था, ये लिए 4 पीस कौन, 2 मारेंगे तो बाबू मारेंगे, एकदम खुला माल है, ऐसा माल नहीं मिलेगा। एक इसको इसका साली आई नहीं, इसको घर जाना है। क्या रेट है भैया? बहुत सस्ता हो गया बाबू, ये मिठाई ना हो। हां हां बिल्कुल बिल्कुल, फटो मत जो ने घूम जाएगा भाई ने पहला हमारा। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। नहीं हमारा कुछ नहीं होगा, नहीं तुम्हारा अमरू फेमस हो जाएगा भैया, मत फेमस करो। हमें राहुल को भी कहीं ना भागेगा। लीजिए सर। ये कंटेंट देगा के, ये कंटेंट देने के इरादे कर रहे के ये भाई।
एंटर करके गया मैं। हाँ हाँ पीछे बैठे। हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। हाँ ठीक है ठीक है।
दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कोडरमा जंक्शन, जो कि हमने अभी पूरा पहाड़पुर से लेकर कोडरमा तक हमने घाट शंकर कवर किया अभी हमने पूरा। और मुगलसराय तक हमारी ट्रेन करीब 2 घंटे के करीब लेट थी, और जिसको हमने कवर करके अभी करीब 1 घंटा कर लिया है। फिलहाल अभी हम लोग 1 घंटे की देरी से चल रहे हैं और कोडरमा जंक्शन पहुँच चुके हैं, और फिलहाल आगे करके देखते हैं टाटानगर तक कितनी लेट पहुँचते हैं तो फिलहाल, और बताता रहूँगा स्लीपर क्लास में क्या चल रहा है। अभी फिलहाल तो सुबह तक ठीक था, पानी नहीं है फिलहाल मेरे कोच में, उसी कोच में जाना पड़ रहा है स्लीपर क्लास का, ये हाल है अभी। बाकी आगे देखते जर्नी में और क्या मिलता है, फिर मिलता है आगे जर्नी में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कोडरमा से हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ से प्लेटफॉर्म स्किप हो रहा है साइड में मेरा, आप देख रहे होंगे। तो सुनते हैं यहाँ से रफ्तार पकड़ चुकी ट्रेन, और मिलते हैं फिर आगे वापस ट्रेन के अंदर। थोड़ा सा आपको स्लीपर कोच का अंदर दिखाता हूँ क्या हाल चाल है, यहाँ क्या हाल है यहाँ पर। लाल मुड़ी भैया मुड़ी लाल मुड़ी आपको एक चीज बताना भूल गया, शुभम भाई ने कभी झालमुड़ी नहीं खाई, पूछ रहे थे मेरे से कि झालमुड़ी होती क्या है, मैंने कहा जरा चख के देख लो, उन्होंने खाई तो उन्होंने बोला भाई साहब बड़ा मज़ा आ गया खाकर। ये झालमुड़ी जो है बिहार की फेमस डिश है, क्योंकि कई चार चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है। तो और भी कई जैसी चीज़ें मिलती हैं तो आगे बताता हूँ मैं आपको, तो बने रही मेरे साथ जर्नी। हम लोग पहुंच चुके हैं गोमो जंक्शन, और 1 घंटे की देरी अभी यहाँ भी बरकरार है, ट्रेन ने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं, कोई भी लेट कवर नहीं किया अपना। 1 घंटा हम कोडरमा पे थे, 1 घंटा लेट, वो भी अभी कायम कर रखा है इसने, बिल्कुल भी डिले अपना कवर नहीं किया है। देखते हैं आगे कवर कर पाती है कि नहीं। फिलहाल जर्नी अभी ठीक ठाक चल रही है, स्लीपर क्लास में भीड़ थोड़ी कम हो चुकी है, तो देखते हैं आगे जर्नी में क्या होता है। और हो सकता है दोस्तों मैं टाटा नगर की जब जर्नी ख़त्म करूँ आपसे फेस कैम ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगा, तो मैं जर्नी ऐसे ख़त्म कर दूँगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। बाकी अभी अगर आगे जर्नी में मिलेंगे तो दोबारा बात करते रहेंगे, तब तक लिए आगे मिलते हैं जर्नी में।
पानी बेटा ट्रेन खुली दोस्तों चलिए भाई मिली बोल दो ना खुश। तो दोस्तों मैं भी प्लेटफॉर्म पर उतर रहा था नीचे बोलने के लिए आपसे आप लोगों से बात करने के लिए, लेकिन ट्रेन खुल गई सो मैं अब इसके आगे आपके साथ आपसे नहीं मिल पाऊँगा। टाटा नगर का अराइवल दिखा दूंगा आपको, लेकिन मैं फेस कैम नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं उसमें बिजी रहूंगा। तो आपका मेरा सफ़र
फिलहाल यही तक था भाई लोग। देखो बात ये है, मिलेंगे आपको टाटा नगर में बात के लिए। दोस्तों हम लोग करीबन 30 के आसपास लोग सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबको देखना ज़रूरी है, सबको सही से उतारने की जिम्मेदारी हम दोनों की, इसलिए आपको सामान बहुत ज़्यादा है। हाँ सारा भी देखना है। हाँ तो उनको उतारने की जिम्मेदारी हमारी, इस कारण से हम आपसे थोड़ा सा शर्मिंदा हो। फिलहाल आप बोकारो स्टील सिटी का डिपार्चर इंजॉय करिए, ऐसे जस्ट यूं टर्न कर दो, बाद में एंगल बनाओ। ठीक है, अगर